आधा वर्ष है। नाजरीन आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। स्कूटर से नकद रकम सरखा करने वाले मुलजिम को अहमदाबाद गुजरात से किया गया गिरफ्तार। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, डीसीपी ईस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला ब्रुज में वर्कशॉप का किया इफ्तिताह। डीएसपी और दीगर ट्रेनर ने की शिरकत। गैर महसूब असासजात केस में वाईएसआरसीपी सदर जगन की सीबीआई खसूसी अदालत में हाजिरी। पदयात्रा मंसूख करते हुए जगन ने कोर्ट में दी हाजिरी। तेलुगु चैनल के एंकर प्रदीप का ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए मंसूख। 2100 रुपये जुर्माना, ड्रंकन ड्राइव में मुलविस होने का शख्साना। बजट में रियासत के तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया जाए। तेलंगाना एम्प्लॉयज जेएसी की रियासती वजीर फाइनेंस से नुमाइंदगी। देखते हैं खबरों की तफसील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीवी श्रीनिवास राव ने सिटी ट्रेनिंग सेंटर वाके पेटला ब्रिज में वर्कशॉप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस एम शिवा प्रसाद के अलावा डीसीपी हेडक्वार्टर बाबू राव, एडिशनल डीसीपी एम राजशेखर, एडिशनल डीसीपी बीएसपी रवि कुमार के अलावा दीगर अहदेदारान मौजूद थे। मस्कुरा वर्कशॉप में 7 डीएसपी, 40 रिजर्व इंस्पेक्टर्स और 10 रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स ने तरबियत हासिल की, जिनमें मुख्तलिफ उमूर की निशानदही भी करवाई गई। और रोल प्ले इसलिए दिखाया गया क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स तकरीबन सब ट्रेनिंग सेंटर्स एयर ऑफिसर्स रन करते, तो इसलिए रोल प्ले दिखाया गया। लेकिन वो रोल प्ले सिविल पुलिस के संबंध उनका इलाका का वो रोल प्ले है, फिर भी उनको इसलिए दिखाया गया क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स एयर ऑफिसर्स के अंडर होते, इसलिए दिखाया गया। गुड ऑफिसर बैड ऑफिसर एसएचओ का एक रोल प्ले भी दिखाया गया। मलकपेट पुलिस ने स्कूटर की डिक्की से नकद रकम उड़ाने वाले एक मुलजिम को अहमदाबाद गुजरात से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकल किया। डीसीपी जोन सी शशिधर राजू ने मीडिया को तफसीलात तो बताते हुए कहा कि मलकपेट पुलिस ने बैन रियासती टोली के रुकन 45 साल इंद्र करजीत सुरजीत कुमार मुतवत्तीन अहमदाबाद गुजरात को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1,45,000 रुपये नकद रकम के अलावा मोटरसाइकिल बरामद की गई। इंदरकर सुजीत कुमार एक पेशावर मुजरिम बताया गया है। डीसीपी ने बताया कि इस केस में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया और सीसीटीवी के अलावा मोबाइल सिग्नल से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मस्कुरा वारदात में दीगर 5 मुलजमीन भी शामिल हैं जो मफरूर बताए गए हैं। कलीदी मुलजिम के खिलाफ गुजरात अहमदाबाद में भी कई केसेस दर्ज हैं। मलकपेट पीएस लिमिट्स में एक डिक्की ऑफेंस अटेंशन डाइवर्शन गैंग से हुआ, उसमें 2,85,000 कैश चोरी हुआ। उसके बाद में एक ऑफेंस शहनाजगंज पीएस लिमिट्स में भी एक सेम ऑफेंस डिक्की से अटेंशन डाइवर्शन करके 1 लाख अमाउंट क्या 2 लाख वहाँ से चोरी हुआ। इमीडिएट वो चोरी रिपोर्ट होते ही डीआई रमेश ऑफ मलकपेट एंड डीएसआई शिवशंकर ने वो सीन विजिट करके वहाँ सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई करके वो देखने से वहाँ वो एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी 3 मोटरसाइकिल पे आके वो एरिया में रखी करके उसको फॉलो करके जो कैश को कैरी करते हैं कौन कर इवनिंग से शॉप्स क्लोज करने के बाद में जो बचे सो कैश घर को ले जाके सुमारो टुमारो मॉर्निंग बैंक में डालने को ऐसा कुछ करने वालों को आइडेंटिफाई करके वो लोगों को फॉलो करके अटेंशन डाइवर्शन करके वो लोगों का कैश बैग या डिक्की में से कैश ऐसा चोरी कर रहे।
ये वो छः आदमी 3 मोटरसाइकिल पे 6 आदमी का वो आइडेंटिफाई करने के बाद में वो मोटरसाइकिल को नंबर को एनहेंस करके वो कहाँ से मोटरसाइकिल आया वो वेरीफाई कर लेके और फर्दर जो शहनाजगंज में हुआ वो भी सीन विजिट करके वहाँ और यहाँ दो प्लेसेस में फ़ोन का टेलीफोन यूज़ करे सो उसको टावर डंप निकाल के वो फ़ोन आइडेंटिफाई करके कहाँ से लोकेशन वो ट्रेस करके वो टावर्स टेलीफोन फ़ोन का टावर देखे तो वो अहमदाबाद का आया। जब अहमदाबाद का आते इसको प्रीवियस नॉलेज रहने से DSI ने ये गैंग हो सकता बोल के इमीडिएट वो व्हीकल्स भी वहाँ से लाया होगा बोल के रेलवे स्टेशन जाके चेक करने से पार्सल ऑफिस को वो दिसंबर महीने में 22 तारीख को यहाँ से व्हीकल्स 22 या 23 वो टाइम में दिसंबर महीने में वो व्हीकल्स आए सो पार्सल ऑफिस में है और ऑफेंस होने के बाद में 1 वीक के टाइम के बाद में फिर वो सूरत को बुक करे सो भी है। सो वी हैव कलेक्टेड दैट डाटा ऑल्सो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो इमीडिएटली इन्होंने क्या करा DSI ने हमारा इंफॉर्मेशन देते DCP से बात करके ऐसा एक टीम को डिस्पैच कर रहे बोल के बोले तो वो लोग हमारा DSI वहाँ जाके वो लोगों का लोकल पुलिस मदद लेके वहाँ देखे तो वो टावर जो आया वो कुबेर नगर बोल के है वहाँ अहमदाबाद के कुबेर नगर इज़ नोन फॉर दिस अफेंडर्स बोल के वहाँ के लोकल पुलिस बताया अटेंशन डाइवर्शन गैंग रहता वहाँ बोल के वहाँ जाके इमीडिएट लोकल पुलिस की मदद से जाके देखे तो एक आदमी को मिला उसको पकड़े वो इंद्रेकर सुजीत कुमार बोल के उसको पकड़े और उसके साथ में 5 आदमी मिलके यहाँ ऑफेंस करे वो लोग अजय माचरेकर राजेश अलियास छोटिया सोनू कल्लू अलियास रोहित एंड डब्बू भाई तो ये पूरे मिलके यहाँ आके वहाँ से गाड़ियाँ लेके आके यहाँ ऑफेंस करके फिर चले गए। इस कहने से 90,000 कैश पर्टेंस टू अवर क्राइम मलकपेट क्राइम और 50,000 कैश पर्टेंस टू शहनाजगंज क्राइम ये रिकवरी करे और बाकी के लोगों के भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को भी बहुत जल्दी पकड़ने के लिए टीम डिप्लॉय कर रहे और वो भी वो लोगों को पकड़ेंगे और ये लोगों के ऊपर वहाँ अहमदनगर में भी 4 केसेस है क्राइम नंबर 12, 23, 317, 166 ऑफ 2019-2019 का केसेस भी है ओल्ड अफेंडर्स है वहाँ और ये इतना अच्छा काम इनिशिएटिव लेके और ला पेंट्स लेके पूरा इंफॉर्मेशन निकाल के करे सो DSI शिवशंकर उसको CP साहब भी अप्रिशिएट करे उसके लिए रिवार्ड भेजो बोले और DI रमेश शिवशंकर और SHO मलकपेट को भी रिवार्ड भेज रहे हैं। इसमें शाह इनायतगंज पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक जहन मुंतशिर करते हुए आवाम को लूटने वाले मुलजिम को अहमदाबाद गुजरात ही से गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शाह इनायतगंज पुलिस ने मुलजिम टी राजेश कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। मलकपेट हदूद और शाह इनायतगंज में हुई वारदातों में मुलजिम मुलविस बताया गया है। इसके साथ दीगर 4 मुलजमीन भी शामिल हैं। शाहनाथगंज पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई की। विनोद कुमार अग्रवाल ना बेगम अपना हफ्जागंज PS में लिमिट्स में उसका शॉप है प्लास्टिक का शॉप और शॉप बंद करके वो दिन का कलेक्शन ले लेके एक प्लास्टिक कवर में रख के उसका मोटरसाइकिल पे उसका घर है अपना शाहनाथगंज PS लिमिट्स में 7 टेबल्स का है घर को आ गए ऑलरेडी। उसके साथ ही 3 मोटरसाइकिल पे अपेंडर्स फॉलो करके उसको घर आने के बाद घर मोटरसाइकिल कंपाउंड के अंदर रखने के बाद उसको बुला के एड्रेस पूछ रहे ये लोग एड्रेस इन्हों बाहर आके एड्रेस एक लोग एक आदमी को एड्रेस बोल रहे तो बता रहे तो और एक आदमी उसको अटेंशन डाइवर्शन करके अंदर जाके मोटरसाइकिल का ने ये पैसे रखे थे उन्होंने पैसे कवर ले लेके बाद में 3 मोटरसाइकिल के ऊपर ये लोग चले गए। हम CCTV फुटेज चेक करके इसके ये अपेंस के 2 दिन पहले मलकपेट PS में भी एक अपेंस हुआ था ऐसे ही बाद में CCTV फुटेज मैच हो गए तो अपन वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन उधर जाके उधर इंक्वायरी करे तो वो राजकोट एक्सप्रेस में अहमदाबाद से वो रेलवे पार्सल सर्विस में 3 मोटरसाइकिल ले लेके उधर से अहमदाबाद पे 6 जने आए थे उधर से अजय कुमार बोलकर मेन अफेंडर था उसके साथ और 5 जना पूरा 6 जना आया
आने के बाद वो मोटरसाइकिल पे इधर अफजलगंज बेगम बाजार एरिया और किधर बिजनेस एरिया है तो उधर जाके वाच करके ये लोग पैसे लेके जा रहे थे वक्त उन लोगों का अटेंशन डाइवर्शन करके ये पैसे लेके जा रहे थे। अपने पास 2 लाख रुपए गया। बाद में शहनाजगंज इंस्पेक्टर रविंद्र रेड्डी के नेतृत्व में उसका SI नागराज और क्राइम टीम अहमदाबाद जाके उधर राजेश कुमार बोलकर एक अक्यूज को पकड़े थे। बाकी लोग मेरे 4 जना मिलने के नहीं मिले और एक अक्यूज को मलकपेट PS वाले पकड़े थे। हम एक अक्यूज को और 1,25,000 सीज करके हैदराबाद लेके आए। वो राजेश कुमार को आज कोर्ट में पेश कर रहे और 4 जनों को और अरेस्ट करने के आए। मेन अक्यूज है अजय कुमार परारी में है, उसको और तीनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अजय कुमार टोटल कितने केसेस में इन्वॉल्व है सर हैदराबाद? अपन हैदराबाद में अभी तो ये दो ही केसेस में है। इसके पहले वो महाराष्ट्र में और उधर गुजरात में कर्नाटक में इंटरस्टेट गैंग है उधर करा बोलकर मालूम हो रहा। गैर महसूब असासजात केस का सामना कर रहे YSRCP सदर जगन मोहन रेड्डी CBI की खसूसी अदालत वाक़े नामपल्ली में हाजिर हुए। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने 65 दिन से जारी पदयात्रा को मनसूख करते हुए कोर्ट में हाजिरी दी। वजह के जगन मोहन रेड्डी के अलावा दीगर कई मुलजमीन पर भी गैर महसूब असासजात के सिलसिले में केसेस चलाए जा रहे हैं। बंगलार में वाक़ एक किराना स्टोर से तकरीबन 2 लाख रुपए मालियाती गुटखा जब्त किया गया। बाबसूख इतला पर पुलिस ने कार्रवाई की और इस रैकेट में मुलविस मुलजिम 44 साल सतीश को गिरफ्तार किया गया। सतीश इस सिलसिले में दूसरी मरतबा गिरफ्तार हुआ है और पुलिस के अहदेदारों ने बताया है कि अगर वो फिर से एक मरतबा इस रैकेट में मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ PD Act का नफाज अमल में लाया जाएगा। गुटके के तकरीबन 13,880 सैचेट बरामद किए गए जिनकी जुमला मालियत 2 लाख रुपए बताई गई है। चंगीचला चौराहे पर 12 जनवरी को हुए ऑयल टैंकर ब्लास्ट में शदीद जख्मी 3 अफराद के मुंजिमला एक शख्स दम तोड़ गया है। अलाबाजी एक और शख्स जो राहत नगर अंबरपेट का साकिन बताया गया है वो गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इस सिलसिले के तहत गांधी हॉस्पिटल में बगर्ज इलाज उसे शरीक करवाया गया था। शेख इब्राहिम के घर वालों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गांधी हॉस्पिटल में उनके इलाज में लापरवाही की जा रही है। घर वालों ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने इमदाद तक फराहम नहीं की है। उन्होंने हुकूमत के आला इदारों से अपील की है कि इस सिलसिले में उनका ताबुन करें और इलाज को मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाए। کلین میں سعادت المسلمین کی اراکین اسمبلی متعلق اخراجات میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ مقامی عوام کی خدمات میں ہمہ تنگوش مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے مختلف اخراجات میں سالار ملت مفت ٹریننگ سینٹرز کا افتتاح عمل ملایا۔ نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع الدین کے علاوہ سرگرم ایل سی کارکنان موجود تھے۔ مختلف کمیونٹی ہالز میں کشادہ کیے گئے ان سینٹرز میں مفت ٹیلرنگ کی تربیت لڑکیوں اور خواتین کو فراہم کی جائے گی۔ شہر میں سٹی پولیس کی جانب سے جرائم کی روک تھام کے لیے کئی ایک اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی علاقے کا گھیراؤ کرتے ہوئے تلاشی مہم انجام دی جاتی ہے تو کبھی باوسوخ اطلاعات پر دھاوے بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک جانب تو سٹی پولیس اس طرح کی کاروائی کر رہی ہے، تاہم دوسری جانب رات دیر گئے شہر میں ہوٹلز اور 5 ڈبوں کے علاوہ دیگر کاروبار جاری ہیں۔
اور ابھی نیوز کے نمائندے ایم رشید نے ایسے ہی کچھ ویڈیو فوٹیجز کو اپنے کیمرے میں قید کیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسٹ زون کے چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ہوٹلز کا کاروبار پچھلے دروازے سے جاری ہے، جبکہ رات دیر گئے تک پان شاپس بھی کھلے ہوئے پائے گئے۔ اس کے علاوہ ایم رشید کے مطابق چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے قریب ایک زیر تعمیر عمارت کے پاس شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی کو وہ نظر نہیں آئی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہر میں ایسے کئی کاروبار رات کے اوقات میں جاری ہیں، لیکن سٹی پولیس یا تو اس سے لا علم ہے یا پھر پولیس دانستہ طور پر اس بات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ٹی آر ایس کانگریس اسمبلی نواس گوڑ نے کہا ہے کہ تلنگانہ امپلائیز جے سی کے ایک وفد نے وزیر فائنانس ای راجندر سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے سال 2018-19 کے بجٹ میں ریاست کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنے کی اپیل کی ہے اور نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ مختص کرنے اور انہیں روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں بھی نمائندگی کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ پیش ہونے سے قبل مزید نمائندگیاں کی جائیں گی۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی سری نواس گوڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ امپلائیز جے سی کے ایک وفد نے وزیر فائنانس ای راجندر سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے سال 2018-19 کے بجٹ میں جو آئندہ ماہ کے آخری ہفتے میں پیش ہونے کا امکان ہے اس میں ریاست کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنے اور نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اسکیمات کے علاوہ انہیں روزگار فراہم کرنے اور روزگار سے مربوط اسکیمات کو روب عمل لانے کے علاوہ بی سی طبقات کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں بجٹ پیش ہونے سے قبل مزید نمائندگیاں کی جائیں گی۔ مری وృత్తి کے سمبندھ میں ٹنڈی بارن ریسٹورنٹ لو کوڑا وائشاپ لو کوڑا کوٹا گاوالن جپی مری بی سی ایم ایل ایل ప్రజ ప్రతినిధుల యొక్క సదస్సు లో కూడా ఆ దాన్ లో కూడా ఈ చర్చన జరిగింది మరి దాని కూడా వెంటనే అమలు చేయాలి మరి చదువుకున్నటువంటి యువకులు వృత్తి చేయాలంటే చేయలేరు వైన్ బార్ షాపులలో ఇవ్వడమే కాకుండా నీరా ఉత్పత్తిని కూడా కేరళ తరహాలో ఇక్కడ కూడా అత్యధికంగా భారతదేశంలో ఎక్కువ చెట్లు ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడ కూడా చెట్లని ఉత్పత్తి చేసి ఈ వృత్తిని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది మరి త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా ఈ సంఘ నాయకులు మేము కల్పిస్తాం గౌడ హాస్టల్ భవనం చాలా చిన్నగా ఉంది హైమాయత్నగర్లో మరి ఒక 10 ఎకరాల్లో పెద్ద భవనం కావాలని చెప్పి కూడా మా నాయకులు కోరుతా ఉన్నారు ఇంతకుముందే వారం 10 రోజుల క్రితమే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వివరించాం తొందరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి గౌడ హాస్టల్ భవనం గౌడ భవనంతో పాటుగా ఈ వృత్తి అధ్యయనం చేసి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా హైబ్రిడ్ విత్తనాలు కనుక్కొని 100 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి చెట్లెక్కే ప్రక్రియను తీసేసి చిన్న చెట్టుకే ఈ కళ్ళు చెట్టు కూడా ఏర్పాటు చేయడం చెప్పి కూడా జరిగింది దళారుల ప్రమేయం లేకుండా వృత్తికి సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళని ఈ వృత్తి జోలికి రాకుండా ఈ వృత్తికి సంబంధించిన వ్యక్తుల చేతనే ఈ వృత్తి ترجمان کانگریس کمیٹی ڈاکٹر شون نے وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں دیے گئے انٹرویو میں برقی تیاری کے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ مکمل طور پر گمراہ کن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس نے برقی مسئلے پر اور کسانوں کی خودکشی کے مسئلے پر ٹی آر ایس قائدین کو کھلے عام مباحث کے لیے چیلنج کیا تھا، تب انہوں نے مباحث میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا۔ ترجمان کانگریس کمیٹی ڈاکٹر شرون کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے انٹرویو میں برقی کی تیاری کے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ گمراہ کن ہیں، کیونکہ ریاست کی ترقی کے مسئلے پر بھی اس انٹرویو میں واضح وضاحتیں نہیں کی گئیں۔ شرون کمار کے مطابق نوجوانوں کی بے روزگاری کا ریاست میں اہم مسئلہ درپیش ہے، جبکہ پبلک سروس کمیشن میں سرکاری جائیدادوں کے تخلیق شروعات کے لیے لاکھوں درخواستیں اس بات کا ثبوت ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ اس مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ترجمان کانگریس ڈاکٹر شرون کمار نے بتایا کہ کانگریس نے برقی مسئلے پر اور کسانوں کی خودکشی کے مسئلے پر ٹی آر ایس قائدین کو کھلے عام مباحث کے لیے چیلنج کیا تھا، لیکن ٹی آر ایس کا کوئی قائد مباحث کے لیے سامنے نہیں آیا۔ پرشن کو گوڑا انتو آتم وشواس انتو اندنگا مکھیہ منتری گارو ماٹلاڈنپڑکی کوڑا
అవన్నీ కూడా అబద్ధాలు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా కలిగింది. వాస్తవానికి బాగా ప్రామినెంట్ జర్నలిస్ట్ అయినటువంటి రాజ్దీప్ దేశాయ్ గారు కూడా సరిగ్గా సమాచారాన్ని రాబట్టలేకపోయారేమో అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆ మొత్తం ఇంటర్వ్యూలో పవర్కి సంబంధించి నేను 6 నెలల్లోనే ఒక మంత్రదండంతో పవర్ సమస్యనంతా కూడా పరిష్కరించినాను అని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినప్పుడు మరి 6 నెలల్లో ఎట్లు చేసిండ్రు అని చెప్పని దానికి సంబంధించిన వివరాలు దాంట్లో చర్చకు రాలేదు. రెండవది, దాదాపు 4,200 మంది రైతులు చనిపోతే దానికి సంబంధించిన చర్చను ముఖ్యమంత్రి గారు కావాలని చెప్పని దాటవేతకు చేసే ప్రయత్నం చేస్తే కూడా అది చర్చకు రాయలేదు. మరీ ప్రధానంగా తెలంగాణలో ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయోలేషన్ జరుగుతూ ఉంది. హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా లేనటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం ఇవాళ భారతదేశంలో ఏదైనా ఉంది అంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్రం. అట్లా హ్యూమన్ రైట్స్ వయోలేషన్ జరుగుతున్నటువంటి అంశాలను కానీ హైదరాబాద్లో కనీసం ధర్నా కానీ నిరసన కానీ తెలుపుకునేటువంటి ఒక కనీస అవకాశం లేనటువంటి ఒక నియంతృత్వ పోకడ ఖబరే. سابق کانگریس رکن پارلیمان نندی ایلیا نے کہا ہے کہ مرکزی ریلوے سریش پربھو سے انہوں نے نمائندگی کی ہے کہ ریلوے بجٹ میں تلنگانہ بالخصوص سدی پیٹ، محبوب نگر اور دیگر اضلاع کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ریلوے لائنز اور ریلوے پروجیکٹس فراہم کرنے کے اقدامات کریں. انہوں نے بتایا کہ سابق میں تلنگانہ کے ساتھ اس سلسلے میں ناانصافی کی گئی تھی، تاہم اس بجٹ میں انصاف کی انہیں امید ہے. سابق کانگریس رکن پارلیمنٹ نندی ایلیا نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مرکزی وزیر ریلوے سریش پربھو سے اس بات کی نمائندگی کی ہے کہ وہ ریلوے بجٹ میں تلنگانہ بالخصوص سدی پیٹ، محبوب نگر اور دیگر اضلاع کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے نئی ریلوے لائن اور ریلوے پروجیکٹس فراہم کرنے کے اقدامات کریں، کیونکہ سال گزشتہ کے ریلوے بجٹ میں تلنگانہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ریاست کو ریلوے بجٹ میں انصاف دلانے کے سلسلے میں کانگریس قائدین کے ساتھ تفصیلی طور پر مذاکرات کیے ہیں. ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నటువంటి సమస్య ప్రధానమైనటువంటి సమస్య. శాంక్షనింగ్ ఏంటంటే 2016 రైల్ బడ్జెట్ ఆనాడు శాంక్షన్ అయింది. శాంక్షన్ అయ్యి దాదాపు 1 ఇయర్ కావస్తున్నది. మా గౌరవనీయమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి ఎలక్టెడ్ శాసనసభ్యుల ద్వారా తీసుకెళ్ళి, సార్ ఇదే ఈ ప్రాంతము తెలంగాణ ప్రాంతంలో అన్నిటికన్నా బ్యాక్వర్డ్నెస్ వెనుకబడినటువంటి జిల్లా అంటే మహబూబ్ నగరు. ఈ యొక్క నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూన్సీలో రెయిన్ఫాల్ చాలా తక్కువ, వర్షపాతం చాలా తక్కువ, అక్కడ పరిశ్రమలు లేవు. తర్వాత ریاست وزیر سیاد چندو لال نے ایچ آر ڈی انسٹیٹیوٹ میں دوسرے انٹرنیشنل سیمینار بعنوان تلنگانہ تھرو ایجز کا افتتاح عمل ملا اور کتاب کی رسم اجرائی بھی انجام دی. بعد مخاطب کرتے انہوں نے بتایا کہ نئی ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے کئی ایک ترقیاتی اقدامات کیے گئے ہیں. اس تقریب کو مشیر قاضی برائے حکومت راجیو شرما نے بھی مخاطب کیا. وزیر سیاحت چندو لال نے ایچ آر ڈی انسٹیٹیوٹ میں دوسرے انٹرنیشنل سیمینار کا افتتاح انجام دیا، جبکہ ایک کتاب کی بھی رسم اجرا انجام دی گئی. اس تقریب میں رکن راجیہ سبھا کے شوراؤ، مشیر خاص برائے حکومت راجیو شرما کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. اس سیمینار کے موقع پر ایک فوٹو نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں سابق حکمرانوں کے دور حکمرانی، خاص کر کاکتیا دور کی تصاویر کو بھی شامل کیا گیا تھا. وزیر سیاحت چندو لال اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ نئی ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے کئی ایک ترقیاتی اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس سیمینار میں دنیا بھر سے شریک ہونے والے کئی ممالک کے نمائندے اپنے مخالے پیش کریں گے. It was a city with its own heritage,
అండ్ సిమిలర్లీ ఎంటైర్ తెలంగాణ అండ్ ది ప్రామినెంట్ సివిలైజేషన్స్ విచ్ హ్యావ్ డామినేటెడ్ ది కట్టల్ ప్లాటో రిప్రజెంట్ ది ఎర్లియస్ట్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ సీన్ ఫ్రమ్ ది మెగాలిథిక్ బరియర్స్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ ది ప్లేస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ హిస్టరీ అండ్ హెస్ లెఫ్ట్ ఇట్స్ ఓన్ మార్క్ ఇన్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ civilization and the modern day life. ریاسی وزیر لکشما ریڈی نے ڈینٹل موبائل وین متعارف کروائی. بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کی جانب سے ڈینٹل موبائل گاڑی متعارف کروانے کا اہم مقصد عوام میں دانتوں کی بیماریوں سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے اور ان کے تحفظ کو ممکن بنانا ہے. ڈینٹل موبائل گاڑی عصری آلات پر مشتمل ہے. ఈ కళాశాలకు ఈరోజు డెంటల్ మొబైల్ డెంటల్ వెహికల్ని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దీని లాంచ్ చేసుకున్నాం. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ కమ్యూనిటీ డెంటిస్ట్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. వీళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ హైదరాబాద్లో స్లమ్స్లో కానీ వెళ్ళి ప్రజలకు ఈ దంతాలకు సంబంధించిన అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కానీ మరి అటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళకు స్టడీలో భాగంగా ఉంటాయి. దాని కొరకు ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత డెంటల్ క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దాంతోపాటు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా తీసుకురావడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి దీనికి ఆల్రెడీ స్క్రీన్ ఉంటుంది, అవన్నీ ఉంటున్నాయి కాబట్టి మరి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి మరి ప్రజలకు దీని దంత సౌందర్యం గురించి కానీ దంత సంరక్షణ గురించి కానీ. اسکوٹر سے نقد رقم سرقہ کرنے والے ملزم کو احمد آباد گجرات سے کیا گیا گرفتار. ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال. ڈی سی پی ایسٹ زون کی میڈیا کانفرنس. کمشنر پولیس حیدرآباد نے سٹی ٹریننگ سینٹر پیٹلا بروج میں ورکشاپ کا کیا افتتاح. ڈی ایس پیز اور دیگر ٹرینر نے کی شرکت. غیر محسوب اساتذہ کیس میں وائی ایس آر سی پی صدر جگن کی سی بی آئی خصوصی عدالت میں حاضری. پد یاترا منسوخ کرتے ہوئے جگن نے کورٹ میں دی حاضری. تیلگو چینل کے اینکر پردیپ کا ڈرائیونگ لائسنس 3 سال کے لیے منسوخ. 2100 روپیے جرمانہ. ڈرنکن ڈرائیو میں ملوث ہونے کا شاخصانہ. بجٹ میں ریاست کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کیا جائے. تلنگانہ امپلائیز جے اے سی کی ریاستی وزیر فائنانس سے نمائندگی. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.